तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, रीवा से आ रही है, जहां एनजीओ संचालक महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। रीवा से खबर आपको बता रहे हैं, एनजीओ की महिला संचालक से मारपीट का मामला, वही डॉक्टरों ने एनजीओ की टीम से मारपीट की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रीवा से बता रहे हैं, और जानकारी दे दें, मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। छेड़खानी, मारपीट समेत कई धाराओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। वही गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एनजीओ महिला कर्मचारी के साथ ये मारपीट की घटना हुई है, और मारपीट का वीडियो भी सामने आ रहा है। तो एनजीओ महिला संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। रीवा से ये खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों ने एनजीओ की टीम के साथ मारपीट की है। वही मारपीट का जो वीडियो है वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है, छेड़खानी, मारपीट समेत कई धाराओं पर यह केस दर्ज कर लिया है। तो रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनजीओ की महिला संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने एनजीओ की महिला के साथ मारपीट किया, और मारपीट का ये जो वीडियो है लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह एक महिला के साथ ये जो डॉक्टर्स हैं मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है, छेड़खानी की गई, जिसके बाद ये विवाद जो है बढ़ता गया। तो रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीओ की महिला संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। वही डॉक्टरों ने महिला के साथ मारपीट किया है, और मारपीट का वीडियो भी लगातार हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छेड़खानी, मारपीट समेत कई धाराओं पर फिलहाल केस भी दर्ज कर लिया गया है। गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो खबर रीवा से, जहां एनजीओ की महिला संचालक के साथ मारपीट किया गया है, और यह मारपीट डॉक्टरों की टीम ने की है। तो वीडियो आप देखिए किस तरह महिला के साथ मारपीट करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन डॉक्टरों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो रीवा से आपको खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आपको बता रहे हैं। विपिन तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रीवा से जुड़ गए हैं। विपिन, वीडियो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह ये डॉक्टर महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानकारी दीजिएगा किस वजह से ये मारपीट हुई। सिमरन, मैं बताना चाहूंगा कि बीएमओ सहित उनके स्टाफ वालों ने एक एनजीओ संचालिका महिला के साथ मारपीट की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है रीवा जिले में घटित हो रही। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया तीनों लोगों को। जी, तो ये कैसे ये मामला इतना बढ़ गया कि जो डॉक्टर्स हैं महिला पर हाथ भी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन पर केस तो दर्ज हुआ है, महिला का क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया? एनजीओ संचालिका महिला ने एक शिविर का आयोजन किया था, जिसमें वो समझाइश दे रही थी जी। लेकिन इसी बीच जब वो समझा रही थी तो बीएमओ स्टाफ को ना जाने क्या ऐसा समझ में आया, उन्होंने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। और इसको जो है महिला ने जब शिकायत दर्ज कराई पुलिस सिविल लाइन थाने में, तो इस महिला के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी, अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? सिमरन, बताना चाहूंगा कि अभी तक बीएमओ सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको विभिन्न धाराओं पर उनपे केस दर्ज किया गया है। जी ठीक है, ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।